कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लक्ष्मी नगर से होली गेट तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान सिंधिया ने कांग्रेस प्रत्याशी महेश पाठक के लिए वोट मांगे। रोड शो के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोपालपाड़ा स्थित विठलनाथ मंदिर में भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान विठलनाथ की पूजा अर्चना की। और ये मंदिर सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट ग्वालियर की ओर से स्थापित किया गया है। वहीं पर पत्रकारों से बात करते हुए सिंधिया ने बताया कि भारत की सभ्यता को दूषित करने का काम भाजपा ने किया। मैं अपने पूर्वजों की ओर से बनाए गए मंदिर में दर्शन करने आया हूं। यहां कोई राजनीतिक बात नहीं, भाजपा को सिंधिया परिवार से थोड़ी सीख ले लेनी चाहिए। आपसे मैंने निवेदन किया कि धार्मिक जगह में मुझे राजनीतिक प्रश्न मत। इस मंदिर में आपने क्या प्रार्थना की है? इस मंदिर में आपने क्या प्रार्थना की है? प्रार्थना की है उत्तर प्रदेश और देश की जनता में जो भारत की नींव है, सांप्रदायिक सद्भाव की, उदार विचारधारा की, धर्म निरपेक्षता की, उस नींव को हम लोग कायम रखें। ये हर भारतीय की जिम्मेदारी होनी चाहिए।